हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आया हूँ हीरो मोटरसाइकिल्स के शोरूम पर, जहाँ पर मैं आपके साथ हीरो की पैशन प्लस, जो कि स्प्लेंडर के बाद सबसे ज़्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल है, इसकी सारी डिटेल्स आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। अगर आप भी अपने लिए आने वाले दिनों में 100 सीसी के अंदर की मोटरसाइकिल या फिर 1 लाख के बजट के अंदर की मोटरसाइकिल के बारे में सोच रहे हैं, खासतौर से हीरो की, तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प कर सकती है। इसलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ में इसको शेयर भी कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदार के साथ में। और साथ में दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ में जो घंटी वाला नोटिफिकेशन बेल आइकन का बटन आपको जो दिख रहा है, आप इसको भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे आने वाली जो भी वैल्यूबल वीडियोज़ हैं उनकी जानकारी आप तक जो है समय समय तक पहुँचती रहे। दोस्तों, आज ये वीडियो शूट करने के लिए मैं एक बार फिर से वापस आया हूँ श्रीराम ऑटोमोबाइल्स के शोरूम पर। ये हीरो के हीरो टू व्हीलर्स के डीलर हैं जोधपुर राजस्थान में। इनका जो एड्रेस है और इनके जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, वो सारी डिटेल्स साथ आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर विजिट करके आप कोई भी हीरो की मोटरसाइकिल यहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं हीरो पैशन प्लस की सारी डिटेल्स, फीचर्स और प्राइसेस के बारे में। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये है हीरो की पैशन प्लस। इसमें वैसे आपको और भी मॉडल्स अलग अलग मिल जाते हैं, लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये बहुत ही सबसे ज़्यादा बिकने वाली जो है मॉडल्स में से एक है। सबसे बड़ी बात है, आप इसको चारों तरफ से देखेंगे, इसका अगर 360 डिग्री व्यू देखेंगे तो इसका जो लुक है वो काफ़ी स्पोर्टी डिज़ाइन के साथ आपको यहाँ पर नज़र आने वाला है। साथ में इसके अंदर जो सिटिंग पोजीशन है वो काफ़ी शानदार आपको मिल जाती है। गाड़ी का माइलेज भी आपको काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है, मेंटेनेंस काफ़ी लो है। तो सबसे ज़्यादा जो खास बात है हीरो मोटरसाइकिल्स की यही है कि इसमें आपको जो है लो मेंटेनेंस कॉस्ट आपको यहाँ पर मिल जाती है, और आपको जो बजट है वो भी आपके जो काफ़ी यहाँ पर शानदार आपको यहाँ पर मिल जाता है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं इसकी चाबी से। तो कुछ प्रकार की आपको जो इस बाइक की चाबी मिलने वाली है, यहाँ पे आपको जो है हीरो का लोगो मिल जाएगा चाबी पर, और यहाँ पे आप देखते हैं हीरो की ब्रांडिंग आपको यहाँ पर जो देखने को मिल जाती है। दोस्तों, इसके अगर कलर्स की बात करेंगे तो इसमें आपको जो है बहुत सारे अलग अलग कलर्स आपको जो देखने को मिल जाते हैं, तो आप अपना मनपसंद कोई भी कलर इसमें जो चूज़ कर सकते हैं। ये जो कलर देख रहे हैं इसके आप में, इसके अंदर आपको ब्लैक के साथ वाइट और यहाँ रेड, मतलब ट्रिपल टोन कलर आपको ये मिल जाता है। देखने में काफ़ी शानदार लगती है बाइक, साइड से भी देखेंगे तो काफ़ी शानदार लुक इसका जो नज़र आता है। सबसे बड़ी जो खास बात है, जब ये लॉन्च हुई थी तब से ही लोगों को काफ़ी पसंद आती है, क्योंकि इसका जो फ्रंट का डिज़ाइन है वो काफ़ी शानदार मिल जाता है, स्पोर्टी डिज़ाइन के साथ मिल जाता है। ऊपर के जो वाइज़र है पूरा ब्लैक कलर मिल जाता है। इसके जस्ट यहाँ पे आप देखेंगे तो 3D में ही आपको जो है हीरो की लोगो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। दोस्तों, हेडलैम्प्स अगर आप देखेंगे तो आपको जो काफ़ी बड़े हेडलैम्प्स यहाँ पर मिल जाते हैं, जो कि हैलोजन बल्ब के साथ यहाँ पर मिल जाते हैं, और साथ में नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको नंबर प्लेट की जगह आपको नीचे की तरफ यहाँ पर मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर यहाँ पर साइड में देखेंगे वाइज़र के साथ में, तो यहाँ पर आपको जो है ट्रिपल टोन कलर में स्टिकर्स जो कलर अलग अलग देखने को मिल जाते हैं, जिसका लुक काफ़ी शानदार यहाँ पे मिल जाता है। दोस्तों, इंडिकेटर्स देखेंगे तो ये आपको जो है हैलोजन बल्ब के साथ ही मिलने वाले हैं, फ्लेक्सिबल टाइप ही आपको जो है इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, जिससे टूटने का खतरा नहीं रहता है। और जस्ट इसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको जो फ्रंट में देखने को मिल जाएगा, और यहीं पर आपको दोनों तरफ आपको यहाँ पर फ्रंट में रिफ्लेक्टर्स भी आपको जो देखने को मिल जाते हैं। मडगर आप देखेंगे तो पूरा आपको ब्लैक कलर में मिलने वाला है, फाइबर में ही आपको मिलने वाला है। यहाँ पर अगर दोस्तों टायर्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो फ्रंट के टायर हैं उसकी अगर प्रोफाइल की अगर हम बात करते हैं, तो ये आपको 80 बाय 100 यानी 80 बाय 100 18 इंचेस के साथ आपको यहाँ पे ट्यूबलेस टायर्स मिल जाते हैं, और ब्लैक एलॉय व्हील्स इसके अंदर आपको मिल जाते हैं, जिससे जो है इसका लुक काफ़ी शानदार यहाँ पे स्पोर्टी नज़र आ जाता है। दोस्तों, इसके साथ साथ अगर इसकी बात करें डायमेंशंस की, तो जो इसकी कुल जो लंबाई है वो करीब 1982 mm की आपको इसके अंदर लंबाई आपको मिल जाती है। दोस्तों, चौड़ाई की अगर हम बात करेंगे तो करीब 770 mm की आपको यहाँ पे इसकी चौड़ाई आपको मिल जाती है। और दोस्तों, अगर हाइट की बात करेंगे तो करीब 1087 यानी 1087 mm की आपको यहाँ पे इसकी ओवरऑल हाइट आपको यहाँ पर जो देखने को मिल जाती है। दोस्तों, व्हील बेस की बात करेंगे तो इसके अंदर काफ़ी अच्छा व्हील बेस मिल जाता है, करीब 1235 mm का आपको यहाँ पर व्हील बेस मिल जाता है। और ग्राउंड क्लियरेंस देखेंगे तो ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है, करीब 168 यानी 168 mm का आपको यहाँ पर इसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस आपको यहाँ पर मिल जाता है। दोस्तों, कर्व वेट की बात करें तो करीब 115 kg का आपको यहाँ पर इसका कर्व वेट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। सीट की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्राइवर और पीनियर आराम से कंफर्टेबल कर यहाँ पर बैठ सकते हैं। 790 mm की आपको यहाँ पे सीट की हाइट आपको मिल जाती है। जस्ट इसके पीछे ही ब्लैक पियानो जो है ब्लैक कलर में ही आपको यहाँ पर इसका ग्रैब हैंडल मिल जाता है, काफ़ी बड़ा ग्रैब हैंडल है, आराम से कंफर्टेबल होकर आप यहाँ पर इसको पकड़ कर बैठ सकते हैं। पीनियन के लिए दोस्तों नीचे देखेंगे तो यहाँ पर फोल्डेबल फुटरेस्ट यहाँ पर मिल जाते हैं, जरूरत अगर यहाँ पर कोई पीछे नहीं बैठा तो आप इसको यहाँ पर फोल्ड भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इसके रियर सस्पेंशन की अगर हम बात करेंगे तो रियर में आपको ट्विन ट्यूब आपको यहाँ पे सस्पेंशन आपको यहाँ पर मिल जाता है। एग्जॉस्ट देखेंगे तो काफ़ी बड़ा आपको यहाँ पर एग्जॉस्ट मिल जाता है, जो कि आपको ब्लैक कलर मिलने वाला है। अभी ये गाड़ी जो है यहाँ पर इनके छत पे यार्ड में खड़ी है, इसलिए अगर इसके ऊपर देखेंगे तो इसके ऊपर आपको जो है क्रोम का ही कवर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, अभी लगाया हुआ नहीं है। और यहाँ पर आपको जो है स्टार्टिंग की अगर बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको किक और सेल्फ स्टार्ट दोनों ऑप्शन इसके अंदर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। आप दोनों चाहे तो किसी भी से भी दोनों
ऑप्शन के साथ बाइक को स्टार्ट कर सकते हैं। ब्रेक पैडल्स देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको जो है क्रोम, ये आपको पूरा आपको यहाँ पे क्रोम के साथ ही मिलने वाला है, स्टील के साथ ही मिलने वाला है, जिसके ऊपर ग्रिपिंग काफ़ी अच्छी खासी मिल जाती है, आपके पाँव का स्लिप होने का खतरा यहाँ पर नहीं रहता है। दोस्तों यहाँ पे इसका अगर हैंडल बार देखेंगे तो आपको यहाँ पे पूरा क्रोम में ही मिलने वाला है। बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको हीरो के लोगों के साथ हीरो की ब्रांडिंग आपको यहाँ पर मिल जाती है। राइट साइड वाला जो हैंडल बार है यहाँ पे आपको आपको सेल्फ स्टार्ट का जो स्विच आपको यहाँ पर मिल जाता है। लेफ्ट साइड में जैसे आप हैंडल बार की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आप देखते हैं पीछे आपको पासी का स्विच आपको मिल जाता है। इसके साथ दोस्तों यहाँ पे डीपर का स्विच मिल जाएगा, इंडिकेटर्स के स्विच आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, साथ में आपको हॉर्न का स्विच आपको यहाँ पर मिल जाता है। सिंगल हॉर्न आपको मिलने वाला, बजा के देखेंगे तो कुछ प्रकार से आपको इसका हॉर्न आपको मिलने वाला है। दोस्तों उसके साथ साथ इसके क्लच की बात करेंगे तो उसके अंदर आपको वेट मल्टीप्लेट क्लच आपको यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे जैसे आप इसका क्लस्टर देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आप देखते हैं पूरा आपको यहाँ पे एक सेमी डिजिटल आपको यहाँ पे क्लस्टर मिल जाता है। एनालॉग और प्लस डिजिटल दोनों ऑप्शन जो क्लस्टर आपको ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं। लेफ्ट साइड वाला देखेंगे तो यहाँ पे 140 की जो है मैक्सिमम स्पीड इसमें दर्शाई गई है स्पीडोमीटर में। अगर आप इसको इकोनॉमी मोड यहाँ पे चलाते हैं तो आपको माइलेज काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर मिल जाता है। इकोनॉमी मोड की बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे 50 तक का इकोनॉमी मोड होता है, अगर आप उसमें चलाते हैं तो माइलेज आपको काफ़ी शानदार आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसी के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ भी आपको हीरो की ब्रांडिंग और लोगो आपको दोनों देखने को मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डिजिटल मीटर है इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको ट्रिप मीटर देखने को मिल जाएगा, ओडोमीटर देखने को मिल जाएगा, फ्यूल गेज आपको यहाँ पर जो देखने को मिल जाता है, तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर जो देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे आपको i3s का स्विच आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये जो बाइक है ये आपको i3s टेक्नोलॉजी के साथ आपको मिल जाती है। i3s का सबसे बड़ा फायदा ही आपको मिल जाता है कि गाड़ी अगर आपकी रेड लाइट पर काफ़ी लंबे टाइम की रुकी हुई है तो इंजन जो है ऑटोमेटिकली जो ऑफ हो जाता है, जिससे आपको जो है जो पेट्रोल है फ्यूल की काफ़ी बचत होती है और माइलेज काफ़ी अच्छा खासा आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मोबाइल चार्जिंग सॉकेट भी आपको दिया हुआ है, यूएसबी पोर्ट, आप अपने यहाँ से मोबाइल को भी चार्ज यहाँ पर कर सकते हैं। दोस्तों अगर इस फ्यूल टैंक की बात करें तो करीब 11 लीटर की आपको यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है जो कि E20 को सपोर्ट करती है। और यहाँ पे फ्यूल कैप ओपन करने के लिए आप यहाँ पे इसको चाबी से इसका यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। दोस्तों अगर इसके फ्यूल टैंक के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है पैशन की पैशन प्लस की ब्रांडिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। व्हाइट और ब्लैक कलर में यहाँ पे लिखा हुआ है और रेड कलर में आपको प्लस लिखा हुआ है। यहीं पे नीचे देखेंगे तो आपको ग्राफिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको जो ब्लैक, ग्रे, वाइट, रेड, यहाँ पे आपको अलग अलग कलर्स में जो यहाँ पे ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं, जिसका लुक काफ़ी शानदार आपको यहाँ पर मिल जाता है। नीचे आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको i3s की भी आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी। इसके जस्ट नीचे पीछे आपको बैटरी मिल जाती है, करीब 12 वाट की बैटरी आपको यहाँ पे मिल जाती है। हीरो की ब्रांडिंग आपको यहाँ पे जो देखने को मिल जाएगी। इसके साथ साथ दोस्तों नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है FI की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि अब ये जो इंजन है आपको फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के साथ आपको यहाँ पर मिल जाते हैं बेहतर परफॉर्मेंस के साथ में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इंजन देखेंगे तो पूरा आपको ब्लैक कलर में मिलने वाला है। यहीं पे आपको हीरो की भी ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों अगर इसके इंजन की बात करें तो इसके अंदर आपको करीब 97.2 cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड फोर स्ट्रोक इंजन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। दोस्तों पावर की बात करेंगे तो करीब 5.9 किलोवाट की पावर मिल जाती है करीब 8000 rpm पे। और वहीं बात करते हैं इसके टॉर्क की तो करीब 8.05 न्यूटन मीटर का आपको टॉर्क मिल जाता है 6000 rpm पे। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के साथ ये बाइक आपको मिल जाती है। और बोर की बात करेंगे तो करीब 50 mm का बोर मिल जाता है और करीब 49.5 mm का आपको यहाँ पर इसका स्ट्रोक आपको यहाँ पर मिल जाता है। दोस्तों अगर इसकी बात करें माइलेज की तो करीब इसके अंदर आपको 75 किलोमीटर पर लीटर के आसपास का आपको माइलेज मिल जाता है। अगर आप बाइक को ढंग से चलाते हैं, राइड करते हैं, तो आपको और भी अच्छा माइलेज आप इसमें यहाँ पर निकाल सकते हैं। दोस्तों रियर का लुक देखेंगे तो कुछ प्रकार से इसका रियर का लुक आपको यहाँ पर मिल जाता है। पीछे ही आप देखेंगे टेल लैंप्स के जस्ट ऊपर आपको हीरो के लोगों के साथ हीरो की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। जो टेल लैंप्स है वो आपको यहाँ पर हैलोजन बल्ब के साथ यहाँ पर मिलने वाला है। इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे तो यहाँ भी आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि नाइट में काफ़ी सपोर्ट करता है सेफ ड्राइविंग के लिए। और यहाँ पर नंबर प्लेट की जगह मिल जाती है और यहाँ पर इंडिकेटर्स आप देख सकते हैं जो कि आपको यहाँ पर हैलोजन बल्ब के साथ ही मिलने वाले हैं। दोस्तों अगर रियर के टायर देखेंगे तो ये भी आपको जो है ट्यूबलेस टायर मिलने वाले हैं। प्रोफाइल सेम रहने वाली है 80x118 inches के साथ आपको जो ब्लैक एलोविस के साथ आपको इसके रियर के टायर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। आगे और पीछे आपको जो है ड्रम ब्रेक्स ही आपको मिलने वाले हैं 130 mm के, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। और इसके साथ दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में आएंगे तो यहाँ भी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको साड़ी गार्ड आपको मिल जाता है, साथ में फोल्डेबल फुटरेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है। जो चेन सेट है वो पूरा यहाँ पे आपको कवर किया गया है। और साथ में दोस्तों यहाँ पे आपको साइड कटआउट सिस्टम आपको यहाँ पर मिल जाता है, जिससे सेफ्टी बनी रहती है। अगर आपका साइड स्टैंड लगा हुआ है तो आपका गाड़ी का जो बाइक का इंजन है वो यहाँ पर जो है स्टार्ट नहीं होगा। तो ये भी जो है काफ़ी अच्छा सेफ्टी फीचर आपको यहाँ पर मिलने वाला है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे आप गियर्स देख सकते हैं, इसमें अंदर 4-speed गियर्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। सारे गियर आपको यहाँ पे पीछे की तरफ आपको लगने वाले हैं। ये भी आपको जो है पूरा क्रोम में ही यहाँ पर मिलने वाला है। दोस्तों यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी आपको FI की ब्रांडिंग मिल जाएगी, यहाँ भी आपको i3s की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है, हीरो की भी ब्रांडिंग आपको यहाँ पर देखने को
मिल जाती है। तो ओवरऑल इसका लुक आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ प्रकार से, इसका लेफ्ट साइड से भी लुक आपको यहाँ पर मिलने वाला है। बात कर लेते हैं इसकी वारंटी और प्राइस की। तो वारंटी की अगर बात करेंगे तो इसके अंदर आपको 5 साल या फिर 75,000 किलोमीटर की आपको यहाँ पर इसमें वारंटी मिल जाती है। जो भी पहले होगा वो इसमें कवर हो जाएगा। और दोस्तों अगर प्राइसिंग की बात करें तो इसका जो एक्शोरूम प्राइस है वो करीब 78,816 रुपये, यानी 78,816 रुपीज़ इसका जो है एक्शोरूम प्राइस होने वाला है। और जोधपुर राजस्थान में श्रीराम ऑटो में अगर इसकी ऑन रोड कीमत की बात करें तो 91,136 यानी 91,136 रुपये ऑन रोड कीमत जोधपुर राजस्थान में यहाँ पे आपको मिलने वाली है। बाकी अगर आप किसी अदर स्टेट में रहते हैं तो वहाँ प्राइस थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, तो आप अपने नज़दीकी डीलरशिप में जाकर वहाँ पे पता कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी सारी डिटेल्स हीरो की पैशन प्लस की 2024 मॉडल की, जो मैंने आपके साथ शेयर करी है वीडियो। दोस्तों अगर आपको काम की और यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन का बटन आपको दिख रहा है इसको भी ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली जो भी वैल्यूबल वीडियोज़ हैं ऑटोमोबाइल से संबंधित वो सारी जानकारी आप तक जो समय समय तक आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई गाड़ी के साथ, नई जानकारी के साथ। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, टेक केयर एंड जय हिंद।